हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो, जो टॉपिक्स कवर हैं इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो मैं अभी ने एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कम्बाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें दो और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट कम्बाइन हो जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है इस केमिकल इक्वेशन से। ए प्लस बी ये मिल के क्या बनाएंगे? ए बी। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स: व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर, जब मैग्नीशियम को हम एयर में जलाते हैं, यानी कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे उसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। देखिए रिएक्शन इसकी, 2Mg+O2, यानी कि Mg और O2, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलके क्या बनाएंगे? 2MgO। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन कार्बन इज बर्नड इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। C+O2 मिलके बनाएंगे CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। वॉट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है एनर्जी, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एसिड्स, रिएक्शन करना मैग्नीशियम का एसिड्स के साथ, और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, और सोडियम का रिएक्शन करना वाटर के साथ, ये सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने एक इसका एग्जांपल दिया है 2Mg+O2। Mg को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा 2MgO+ हीट एनर्जी, इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? रिएक्शन विच एब्जॉर्ब और रिक्वायर एनर्जी, जो एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी और जिसे चाहिए होती है एनर्जी, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर एंड टर्न इट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में से और उसे टर्न करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ये प्रोसेस एनर्जी चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए, जो कि हमें मिलती है सनलाइट के, उससे फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट में मिलती है हमें। तो इसके इक्वेशन होती है ये 6CO2+6H2O+sunlight energy। इसने एब्जॉर्ब कर ली सनलाइट एनर्जी, अब ये टर्न करेगा हमारा C6H12O6, जो कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6CO2। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजिज इंटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज यानी कि टूट जाता है दो और मोर कंपाउंड्स में, तो उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम दो को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट बनाएंगे, दो या तीन। जो इसके जनरल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ए बी
अगर हम ए बी को तोड़ेंगे तो ए प्लस बी बनाएंगे. इसके एग्जाम्पल्स, वेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है इट डिकम्पोज इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट करा तो सी ए ओ बना, यानी कि जो कि हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई. वैन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड और वाटर में. देखिए ये वाली रिएक्शन. नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोज होता है जब कंपाउंड बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो इट डिकम्पोज, वो बनाएगा लीड नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डी ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. लीड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन उसने प्रोड्यूस करा. इसमें कंपाउंड डीकम्पोज हुआ बिकॉज ऑफ हीटिंग, सो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डीकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें डीकम्पोज होते हैं बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं. जैसे कि वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो डिकम्पोज होएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जब रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डीकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट, जिसमें सनलाइट के वजह से डीकम्पोज होएगा, उसे बोलेंगे फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन. एग्जाम्पल, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे इट डीकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. देखिए सिल्वर क्लोराइड को अगर हमने सनलाइट में रखा तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस डीकम्पोज होएगा उसमें से. फोटोग्राफिक पेपर हैज कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उस पर कोट होती है सिल्वर क्लोराइड की, जो कि ग्रे हो जाती है जब उसे हम सनलाइट में रखते हैं. इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कलरलेस होता है जबकि सिल्वर जो है वो ग्रे मेटल होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वॉट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्ले रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयन्स मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिएक्शन जिसमें एक एटम और आयन एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चले जाए एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी से कहा जाता है. जैसे कि इसकी जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होगी ए प्लस बी सी, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे जो सी है वो ए के साथ चला जाएगा, मूव हो गया वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स ओनली व्हेन ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होगी जब ए जो है वो मोर रिएक्टिव होगा बी से. If B is more reactive than A, अगर B ज़्यादा reactive होगा A से तो A will not displace C. तो A जो है वो displace नहीं कर पाएगा C को from B C and reaction will not taken place. तो reaction नहीं होगी. सीधी सी बात कि अगर A ज़्यादा reactive होगा तो ही C जो है वो displace हो पाएगा, अगर B ज़्यादा reactive है तो कोई reaction नहीं टेक प्लेस होगी, वह ऐसी की ऐसी रह जाएगी. Examples, when zinc reacts with hydrochloric acid, जब zinc react करेगा hydrochloric acid से तो ये hydrogen gas बनाएगी और zinc chloride, zinc plus hydrochloric acid को जब हमने react कराया तो ये ZnCl2 बनाएगा और hydrogen बनाएगा.
व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जब हम जिंक को रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट से, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलके बनाएंगे ZnSO4 प्लस Cu. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शंस इन विच आयन्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, जिसमें आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड. न्यू कंपाउंड बनाने के लिए आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ए जनरल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, ए बी प्लस सी डी, इसमें क्या होगा, डी ए के साथ चला जाएगा और बी सी के साथ चला जाएगा. ए डी प्लस सी बी इसकी रिएक्शन बनेगी. एग्जाम्पल्स, वेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जब सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का हम रिएक्ट कराएंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड. वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड. अगर हमने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट से, तो वो बनाएगा बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा. इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड सोडियम क्लोराइड बनाएगा. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, उसे हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेंगे. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना. लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम एडिशन करेंगे ऑक्सीजन का और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, या फिर रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट एक कंपाउंड में से, तो वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडिड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज. जिन एलिमेंट या फिर कंपाउंड में से ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, या फिर हाइड्रोजन और मेटेलिक कंपाउंड को हटाएंगे, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गए वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंपाउंड्स विच कैन ऐड ऑक्सीजन, जो कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक कंपाउंड को और रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट को, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, रिमूव करना ऑक्सीजन को और नॉन मेटेलिक एलिमेंट को एक कंपाउंड में से, वो कहलाएगा रिडक्शन. द कंपाउंड और एलिमेंट विच अंडरगोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड, जो कंपाउंड और एलिमेंट रिडक्शन करते हैं उन्हें बोलते हैं रिड्यूस्ड. रिड्यूसिंग एजेंट, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स विच कैन कॉज रिडक्शन, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो रिडक्शन कॉज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, जिसमें केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे टेक प्लेस होते हैं, उन सच रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस. इन द वर्ड रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रेड हमने रिडक्शन में से लिया है, एंड ओ एक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और ओ एक्स हमने लिया है ऑक्सीडेशन में से. एग्जाम्पल, व्हेन क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, जब हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन से, यह हमें देगा कॉपर और वाटर. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर, ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी कॉपर में से, इज एडिड टू हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन इज एडिड टू हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन थी वो ऐड हो गई हाइड्रोजन में. सो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था वो रिड्यूस्ड हो गया कॉपर में, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में. तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन एवरीडे लाइफ,
क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडाइजेशन के हमारे एवरीडे लाइफ में, क्या का हम इसे देख सकते हैं. देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ. दो सबसे कॉमन होते हैं, सबसे पहला कॉरोजन ऑफ मेटल, सेकेंड इज रेंसिडिटी ऑफ फूड्स. कॉरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, सच एज जब एक मेटल अटैक्ट हो जाता है एक सब्सटेंसेज अराउंड उसके, सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, वो कहलाता है कि वो कोरोड हो गया, यानी कि दिस एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कोरोजन. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन. जैसे कि हमारे जो लोहे की चीज़ें होती हैं उस पर जंग लग जाता है, अगर हम उसे पानी से रिएक्ट करा दें और वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट होती जाए तो उस पर जंग लग जाता है. आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी वेन न्यू, जो आयरन के सामान होते हैं वो शाइनी होता है जब वो न्यू होते हैं, लेकिन टाइम के साथ वो भी एक रेडिश ब्राउन पाउडर में कोट हो जाती है जिसे हम जंक बोलते हैं, यानी कि रस्ट. और सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर जो होती है वो काली पड़ जाती है, और जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं ना वो ग्रीन हो जाते हैं ऑन द सरफेस ड्यू टू कॉरोजन. ये सब किसके वजह से होता है? कॉरोजन की वजह से. कॉरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज. कॉरोजन जो है डैमेज करता है कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉरोजन ही हमारे डैमेज कर देता है. रेंसिडिटी, व्हेन फूड्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, यानी कि जो फैट्स ऑयल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि खुला में रख दो इन्हें कुछ दिन के लिए, तो इनका स्मेल जो होती है और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है. हम कहते हैं कि वो रेंसिड हो गए, इसको ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं. एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी. एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं हम फूड में, जो कि ऑयल उन फूड्स में ऐड करते हैं जो ऑयल और फैट्स कंटेन करते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए उन्हें. द एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस दैट आर एडिड टू फूड आर प्रिफरेंशली ऑक्सीडाइज. जो एंटी ऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एंड दस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स. इसलिए वो प्रिवेंट कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स को होने से बचा देते हैं. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें तो वो स्लो डाउन कर देता है ऑक्सीडेशन. चिप मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन. जो चिप्स होते हैं हमारे लेज ये सब होते हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से भर देते हैं जिससे कि वो फूले फूले जैसे लगते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है. टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने से, ऑक्सीडाइज ना हो इस वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. थैंक यू.